शून्यकाल चलो कनेन मोर्म आदरणीय अध्यक्ष महोदय ये आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनन मूर्ख आप बोलिए आपका ध्यान एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण खनन मूर्ख का रिकॉर्ड हो और किसी का रिकॉर्ड नहीं हो। स्वतंत्रता संग्राम से सिपाही विद्रोह को जो कि सन 1857 में हुई थी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मान्यता दी जाता है। उससे करीब दो साल पहले 30 जून 1855 में गुलाम भारत की आम जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था जिसके आज भी 30 जून को भारत के कुछ हिस्सों में हुल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस हुल दिवस को हुल क्रांति और संतान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। प्लीज मैं सभी माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि शून्यकाल शुरू होते ही माननीय कई वरिष्ठ सदस्य अध्यक्ष पीठ पर पीछे खड़े होकर और जाने का प्रयास करते हैं उचित नहीं है। मैं पुनः आग्रह करूंगा सभी माननीय वरिष्ठ सदस्यों को अब आप अगर पीछे जाएंगे तो मुझे नाम से पुकारना पड़ेगा। माननीय सदस्य बोलिए क्या प्रथम से शुरू करूं। मैं आपके ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की और दिलाना चाहता हूं क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही विद्रोह को जो कि सन 1857 में हुई थी वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की मान्यता दी जाती है परंतु उससे करीब दो साल पहले 30 जून 1855 में गुलाम भारत के आम जनता ने अंग्रेजी को खिलाफ विद्रोह किया था जिसको आज भी 30 जून को भारत के कुछ हिस्सों में हुल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस हुल दिवस को हुल क्रांति और संताल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। भारत की आदिम जनजाति समुदाय और आम जनता ने तत्कालीन भारत में लगन वसूली जंगल से थोड़ा सा इस संताल के बाद है तो दास कर मैं प्रथम इस संसद का मैं सदस्य हूँ थोड़ा दम दे दिए जंगल की जमीन को काटकर खेती के लिए बनाना तथा उस पर अपना स्वामित्व सूदखोरी इत्यादि से आजादी के लिए अंग्रेजों से लुहा लिया था तथा इस लड़ाई में करीब 20,000 आदिवासियों ने अपनी मिट्टी के लिए जान दे दी थी। इस आजादी की लड़ाई में करीब 50 से 60 हजार आदिवासियों ने भाग लिया था। अंग्रेजी सरकार अपने राजस्व के लिए वसूली के लिए प्रतिदिन कोई ना कोई कानून बनाकर आम जनता को बड़ी ही बेरहमी से प्रताड़ित करती थी आपकी काफी अत्याचार करती थी। महोदय इस आजादी के लड़ाई का नेतृत्व वर्तमान झारखंड राज्य के भगनाडीहा गांव के भूमिहीन ग्राम प्रधान चुनिया मुर्मू के पुत्र सिद्धू कानू चांद और भैरव ने किया था। इस आजादी की लड़ाई में उनके चारों पुत्रों ने 20,000 आदिवासियों के साथ अपने जान को नश्वर कर दिया। सिद्धू कानू के नेतृत्व में भगनाडीहा ग्राम में शुरू हुई इस लड़ाई में दोनों ने नारा दिया था करो या मरो अंग्रेजों हमारी मट्टी छोड़ो। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के इन वीर सपूतों तथा अपनी मट्टी के लिए अपनी जान नश्वर करने वाले 20,000 आदिवासी को मेरा नमन और श्रद्धांजलि। इस आजादी की लड़ाई का परिणाम स्वरूप सन 1900 में एक अधिनियम बनाया गया जिसके तहत एक आदिवासी की जमीन एक आदिवासी ही खरीद सकता है और इस कानून आज भी लागू है। सर मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि हुल दिवस जो कि हर साल 30 जून को भारत के कुछ राज्यों में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है को संपूर्ण भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाए तथा इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के इन वीर सपूतों की जान जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि हमारी देश के भावी युवा पीढ़ी इनके जान सके और इनके जीवन में जसवीर सिंह जी ना लेकर राष्ट्रभक्ति भावना से संपूर्ण हो।